हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर 768 पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज के हमारे रीडिंग है कि क्या कोई आपके खिलाफ जहर उगल रहा है, क्या कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको खिलाफ कुछ गलत बोल रहा है या फिर गलत राय आपको लेकर दूसरों को बता रहा है। वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। आपके सामने ही तीन पाइल में पुल आउट करूँगी। ओके, तो चलिए। दी मैजिशियन हमारी फर्स्ट पाइल रहेगी। ओके, दी हाई प्रिस्टेज सेकंड पाइल, जस्टिस थर्ड पाइल। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है उसके आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए, वो पढ़कर आप एक ऑप्शन चूज़ करोगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। और मेंबरशिप में ज्वाइंट होने के लिए काफ़ी कम दाम है और आपके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना सकती हूँ, एक इंडिविजुअल वीडियो। और वो भी ऑप्शन आप चूज़ करोगे और मेंबरशिप ज्वाइंट करोगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकती हूँ। आपके लिए हर हफ्ते मैं फ्री सेशंस लेने वाली हूँ और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है मैजिशियन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या कोई आपके खिलाफ जहर उगल रहा है। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि क्या कोई उनके खिलाफ जहर उगल रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन, एट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, थ्री ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, ओके, टेन ऑफ कप, एट ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, The lovers, ten of wands। आपने एक बात नोटिस की इसमें, बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ swords, यहाँ डबल एट है और यहाँ डबल टेन है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, टू बी फेयर, न्यू लाइफ और लैग अप, येन, बॉटम टू डेक हमारे पास है और क्लीन एट अप। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई और एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो गाइस क्या कोई आपके खिलाफ जहर उगल रहा है, क्या लगता है आपको? यहाँ जो आपके जो कार्ड आए हैं
वो तो काफ़ी हद तक अच्छे हैं, लेकिन ये जो बीच में काढ़ा है वो सारे पॉजिटिव है, लेकिन ये एट ऑफ पेंटिकल के साथ एट ऑफ सॉर्ड और वहाँ टेन ऑफ कप के साथ टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये ही कार्ड बहुत ज़्यादा पूरी ये रीडिंग को नेगेटिव बना रहे, और यही सच है। नेगेटिव बना रहे इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में एक 20% लोग ऐसे ज़रूर है जो आपके खिलाफ़ जहर उगलते हैं, और 80% लोग बहुत ही मतलब काफ़ी बेहतर काफ़ी अच्छे हैं जो आपके खिलाफ़ तो जाने की बात बहुत दूर रही, लेकिन आपको एक बहुत ज़्यादा अपने दिल में बिठाया है, उन्होंने भगवान की तरह मानते हैं, गॉड की तरह आपको मानते हैं, कि एक मसीहा की तरह आपको पूछते हैं कि आपके जैसा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा, क्योंकि आप एक किंग ऑफ कप और किंग ऑफ वॉन्ड दोनों के कॉम्बिनेशन में आप अपना काम कर रहे हो, उनकी भावनाओं की भी कदर करते हो और उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हो, तो लोगों को ये दोनों ही चीज़ नहीं मिलती है दुनिया में, और वो आप देते हो, इस वजह से काफ़ी सारे लोग आपको अप्रिसिएट करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए भी तैयार है, क्योंकि बीच में काढ़ा है थ्री ऑफ वॉन्ड, इसका मतलब यही होता है कि लोग आपको लेकर जान देने के लिए भी तैयार है, और वो आपकी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं और अपनी खुशी से देते हैं, आप उनको कुछ कहते नहीं हो लेकिन वो खुशी से आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप उनकी इमोशंस भावनाओं की कदर करना जानते हो, रिस्पेक्ट करना जानते हो और उनको जो भी चाहिए उनकी लाइफ में वो देना भी जानते हो, और आप कुछ ऐसे ही नहीं उनको बांट रहे हो, वो मेहनत कर रहे इस वजह से आप दे रहे हो, फिर भी उनके लिए आप एक भगवान ही हो, क्योंकि आप उनको अपना काम दे रहे हो, इस वजह से उनको वर्क दे रहे हो, इस वजह से ही आपको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, ओके। और आप उनको वर्क नहीं भी दे रहे हो तो फिर आप एक किसी भी तरह उनकी हेल्प करते हो, सेवा करते हो, या किसी भी तरह आप एक अलग पोजीशन के ऊपर हो जिसकी वजह से लोग आपकी कदर करना जानते हैं, और आप एक कंपनी के बहुत बड़े मालिक हो, फिर भी आप उनकी छोटी या बड़ी गलती को माफ़ करते हुए उनको आगे बढ़ा रहे हो, इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, और ये जो 20% लोग हैं जो आपके खिलाफ़ है, उनका सिर्फ ये जो आपकी जो एनर्जी है वो 20% लोगों जो आपकी लाइफ में जहर फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो यही मानते हैं कि आप एक ढोंग कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, एक बनावटीपन है और ये सब कुछ नकली है, आप जो कुछ भी ये दिखा रहे हो उसके पीछे कोई कुछ और ही बात है, उसके पीछे आपको कुछ बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, इस वजह से बाहरी तौर पर इस तरह से सेवा कर रहे हो दूसरे लोगों की, इस तरह से वो मानते हैं और इस तरह से आपकी बातें दूसरे लोगों को कह रहे हैं, जिससे आपकी एक पर्सनालिटी और रुतबे के ऊपर और इज्जत के ऊपर एक प्रभाव पड़े और लोग आपको सपोर्ट करना बंद कर दे और साथ देना बंद कर दे, ओके। और उनकी जो चाल है वो काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ रही है, और वो लोगों को आपके खिलाफ़ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो काढ़ा है टेन ऑफ कप और टेन ऑफ वॉन्ड, इसका मतलब यही होता है कि बहुत ये जो 20% लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके खिलाफ़ जहर उगलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और अपनी चाल को कामयाब बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, टेन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि आपकी इमेज पूरी तरीके से ख़राब हो जाए और आपके खिलाफ़ वो बहुत ज़्यादा गलत सलत बोल रहे हैं और जहर उगल रहे हैं, लेकिन लोग उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं क्योंकि टेन है,
कंप्लीशन है। इसका मतलब ये होता है कि लोग उनकी बातों में कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप रियली में एक अच्छा काम कर रहे हो। और मैं भी आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और लोगों की भावनाओं के साथ खेल नहीं रहे हो और उनको अच्छी हेल्प कर रहे हो और उनको सभी तरीके से समझ रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी तरह उनकी अच्छी हेल्प कर रहे हो, एक सोशल मीडिया के थ्रू भी आप एक अच्छा काम कर रहे हो, ओके। और चाहे कितने भी लोग आपकी लाइफ में एक ऐसे नेगेटिव लोग आ जाए और वो आपको लेकर जहर भी उगले, तो भी कोई भी उनकी बातों में आने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो सच्चे दिल से कर रहे हो। इस वजह से गॉड आपकी पर्सनालिटी को कभी भी ख़राब नहीं करने देगा और वो पूरी तरीके से आपके ऊपर ध्यान दे रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये जो कार्ड आए हैं वो भी यही दिखाते हैं कि आपने उनको नई ज़िंदगी दी है, नई बेहतर लाइफ दी है, अच्छी कोशिश दी है, प्यार दिया है, सही तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। और जो भी आप उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो भी आप दूर कर रहे हो। इस वजह से ये जो 20% आपकी लाइफ में जो आपके ख़िलाफ़ है और जहर उगल रहे, उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। और ये 3 of Swords की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने तरीके से बहुत ही काबिल और बेहतर इंसान होंगे, क्योंकि आपने एक दर्द भरी और एक हार्ट का मतलब होता है कि दर्द तकलीफ़ भरी लाइफ भी देखी है, और शॉर्ट का मतलब होता है कि आपने एक बहुत ही अलग अलग पड़ाव और चैलेंज भी देखे हैं अपनी लाइफ में। इस वजह से आपको कोई हरा नहीं सकता है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आप अंदर से और बाहर से प्योर हो, और मैजिशियन अंदर से और बाहर से पूरी तरीके से प्योर होता है। इस वजह से आपके खिलाफ़ कितने भी लोग क्यों ना आ जाए, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है दी हाई प्रेस्टेज, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कोई आपके खिलाफ जहर उगल रहा है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि क्या कोई उनके खिलाफ जहर उगल रहा है। पाइल टू, यूनिवर्स, डिवाइन, 6 of Wands, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, रियली गुड जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, किंग ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 5 of Pentacles, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स हो, तो ये एनर्जी है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 of Swords, यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू, टू बी फेयर, ऑर्फनेट, मैंडिंग, नॉट फॉर यू। बॉटम टू डेक हमारे पास है को क्रिएट, ओके। तो ये जो लास्ट कार्ड आया है, पेज ऑफ सॉर्ड, 5 of Pentacles और नाइट ऑफ सॉर्ड, इससे आपकी एनर्जी के ऊपर थोड़ा प्रभाव पड़ा है गाइस, ओके। अब यहाँ जो साइन आए हैं, सारे ही कार्ड मेजर अर्काना है, तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मेजर अर्काना आए होते हैं गाइस जब पाइल में, तब सारे साइन ऑलमोस्ट होते ही है, ओके। और यहाँ सारे आप देख सकते हो, द एम्परर, किंग ऑफ कप, किंग ऑफ वांड्स और क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसका मतलब यही होता है कि कोई आपके खिलाफ जहर उगल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये जो एनर्जी है आपकी पेज ऑफ सॉर्ड, और इसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सॉर्ड ने, तो इसका मतलब यही होता है कि 1% लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो सिर्फ आपको लेकर बुरी सोच रखते हैं, लेकिन कभी भी वो आपको लेकर एक्शन नहीं ले सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि आप किसी भी तरह कोई इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हो और बहुत कुछ अपनी लाइफ में दूसरों को भी दे रहा हो और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहा हो, तो 1% लोग ऐसे होते ही है जो उनको एक जलन होती है, वो एक फिक्रमंद हो जाते हैं कि इंसान तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, अपनी पोजीशन को भी अच्छी तरीके से संभाल रहा है, इसके पास तो बहुत कुछ आ रहा है, तो इसको तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन हमें कभी कभी अच्छा नहीं लगता है इस तरह से वो सोचते हैं। तो 1% ही लोग ऐसे हैं जो उनके एक थॉट प्रोसेस कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं और वो आपको लेकर बनते हैं। क्यों, ये भी आपके लिए एक एडवाइस है क्यों के तौर पर, कि आप द एम्परर हो रहे हो और एम्परर एक अकड़ू, एक सेल्फिश, एक मतलबी, एक अहंकारी और एक स्टेबल इंसान और पावरफुल इंसान होता है। तो ये जो मैंने आपको एक क्वालिटी दिखाई है उसमें एक अहंकार है और एक सेल्फिशनेस है, वो आपके लिए सही नहीं है। धीरे धीरे आपके अंदर थोड़ा अहंकार आ रहा है तो इसको थोड़ा बिल्डअप कीजिए और उसको अहंकार से थोड़ा एक सुलझे हुए पन में तब्दील कीजिए, जिससे लोगों को अहंकार ना दिखे। यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि रियली में आपके अंदर एक अहंकार तब्दील हो रहा है, बढ़ रहा है, उसको रोके और अपने आप को संभालिए और अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए। और लोगों को लगता है कि आप पहले अपने बारे में सोचते हो फिर दूसरों के बारे में सोचते हो, ये उनकी राय बन रही है। और ये जो 1% लोग हैं वो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके अपने लोग हो सकते हैं, बहुत ही नज़दीकी लोग हो सकते हैं, जिसके साथ आप हर रोज़ व्यवहार एक पूरी तरीके की अपनी दिनचर्या दिखाते हो और उनको ही अच्छा नहीं लग रहा है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे बदल रहे हो। और मैं भी आपको कहना चाहती हूँ कि रियली में यस, आप बदल रहे हो, तो उसको थोड़ा मेंटेन कीजिए और थोड़े बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है, जिससे आपके अपने लोग जो धीरे धीरे 1% आपके खिलाफ़ जो उनके मन में जहर एक बन रहा है उसको आप खुद ही रोक सकते हो। ये जहर बन जाएगा और बाहर जब उगलेगा तब आपके लिए ही ठीक नहीं है और वो आपके खिलाफ़ हो जाएंगे। तो वो आपके खिलाफ़ हो जाए इससे पहले आपको ही अपने स्वभाव के ऊपर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, जिससे ये सिचुएशन से आप बच सके और लोग, ये जो अपने नज़दीकी लोग हैं वो बाहरी तौर पर दूसरे लोगों को बताना धीरे धीरे बताने लग जाए, उससे पहले इस कमान को आप थोड़ा पकड़ लीजिए और अपने खुद की एनर्जी को बैलेंस कर दीजिए और उनको भी समझना सीखिए। उनकी जो भी एक ज़रूरियातें हो, नीड्स हो, या उनके जो भी फैसले हो या उनकी बातें हो, वो शांति से सुनिए। ऐसा मत दिखाइए कि आप एक अहंकार तरीके से घमंड से सुन रहे हैं। आपके चेहरे के रिएक्शन से वो कभी कभी वो अपनी बातें भी आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो वो आप ही की प्रॉब्लम है, उनकी नहीं।
उनको जो दिख रहा है इस वजह से ही उनके अंदर जहर बढ़ रहा है। ये जहर बाहर आए इससे पहले उसको रोकना आपका ही काम है। ओके, ये जो आपके कार्ड है वो यही दिखा रहे हैं गाइस कि आप फेयर रहते हो वो अच्छी बात है, लोगों के साथ भी फेयर रहते हो तो अपने आसपास के जो एक बहुत ही ख़ास लोग हैं आपके नज़दीकी उसके साथ भी थोड़ा फेयर रहिए, उनकी बात भी शांति से सुनिए, उनके साथ भी एक सुलझापन दिखाइए और उनके साथ भी अच्छा रिएक्शन दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी यही दिखाती है कि कभी आपको अचानक गुस्सा आता है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसी की वजह से उनकी सोच बदल रही है आपके नज़दीकी लोगों की। हाई प्रिस्टेस का मतलब भी यही होता है कि आपके खिलाफ़ कोई भी जहर नहीं उगल सकता है और ये आपके नज़दीकी लोग भी आपके खिलाफ़ जहर नहीं उगल रहे हैं, लेकिन उनकी सोच में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, उसको रोकने का काम आप ही का है। तो फिर से आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ जाइए और अपने आप को बैलेंस कर लीजिए और नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को अपने ऊपर लेना सीख जाइए, जिस तरह से पहले थे उस तरह से वैसे ही बन जाइए। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की है जस्टिस, तो चले देख लेते हैं गाइस कि क्या कोई आपके खिलाफ जहर उगल रहा है। पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि क्या कोई उनके खिलाफ जहर उगल रहा है। आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं यूनिवर्स डिवाइन पाइल थ्री। यूनिवर्स डिवाइन सेवन ऑफ पेंटिकल द एम्प्रेस डेथ सेवन ऑफ सॉर्ड्स किंग ऑफ वांड्स। ओके, फाइव ऑफ सॉर्ड्स The Hangman, Wheel of Fortune, Major Arcana के साथ जो आपके नेगेटिव कार्ड बीच में आ रहे हैं आप देख रहे हो और वो भी स्वॉर्ड ही है, किसी भी तरह की दूसरी एनर्जी भी नहीं है, स्वॉर्ड ही है। Queen of Wands ये भी Major Arcana, यूनिवर्स डिवाइन पाइल थ्री, हैप्पी हैप्पी टू बी फेयर, वही तो बात है, नॉट फॉर यू। ओके, तो आपके लिए एडवाइस भी है, ऑब्जर्वर वो ठीक है। बॉटम टू डेक हमारे पास है फ्लेक्सिबल, वो आपको होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि क्या कोई आपके खिलाफ़ जहर उगल रहा है, बिल्कुल उगल रहा है। आप देख सकते हो कि मेजर अरकाना जो कार्ड है उनकी एनर्जी है वो आपकी है, लेकिन ये जो सॉर्ड की एनर्जी बीच बीच में आ रही है सेवन ऑफ सॉर्ड, फाइव ऑफ सॉर्ड और सिक्स ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग सही सोचते ज़रूर है आपको, लेकिन उनकी जो एक सोच है वो कभी कभी नेगेटिव बन जाती है आपको लेकर, क्योंकि आप ही उनकी एनर्जी को नेगेटिव बना रहे हो खुद से ही। क्योंकि जब आप उनके हेल्प करते हो, मदद करते हो तो वो अच्छी बात है, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ कुछ ज़्यादा उनको एक एटीट्यूड से या घमंड से अपने एक क्लैरिफिकेशन देते हो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। मतलब किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन आप कुछ भी बोलने के बाद देते हो वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता है। आप देख सकते हो सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ फाइव ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब यही होता है कि जब लोग एक किस चीज़ों को लेकर परेशान हैं और आप उनकी मदद ज़रूर करते हो लेकिन उनको साथ में कुछ कहते भी हो, मतलब कुछ भी सुनाते हो कि ध्यान से करा करो,
अच्छे से मेहनत करो, लेकिन आप तो अच्छे से मेहनत कर ही रहे हो, तो एक आपकी जो एक बोलने का जो तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो बोलते हो, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिल तक चुभता है। और वही बात है कि लोग स्टक हो जाते हैं और आपको लेकर जो नहीं सोचना होता है वो सोच लेते हैं। आप देख रहे हो, मतलब आप एक अच्छे इंसान हो वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने साथ अच्छा करते हो, लेकिन आप जब दूसरों के साथ भी अच्छा करने जाते हो तब उनके जो खिलाफ़ लोग होते हैं वो आपको पूरी तरीके से अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि आप बीच में पड़ते हो, बीच में आते हो कि आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप अपने तरीके से हर बात को लेकर जस्टिफाई करते हो, वो लोगों को पसंद नहीं आता है। वही मैं आपको बार कहना चाहती हूँ कि आप अपने तरीके से ठीक हो, लेकिन जब दूसरों की बातों में या चीज़ों में सिचुएशन में किसी भी तरह टांग अड़ाते हो तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप अपने लोगों के साथ ही जब बातचीत करते हो तब उनको साथ भी कभी कभी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो और क्लियर कट करने की कोशिश करते हो तो उनको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किसी भी इंसान को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। आप अपने लिए ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए इतने ज़्यादा आप पसंद नहीं आते हो, क्योंकि आप बार बार जस्टिफिकेशन देना पसंद करते हो तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है। आपको न्याय पसंद है, अपने तरीके से सच भी पसंद है, सच सुनना भी पसंद है, सही तरीका भी आजमाना पसंद है, लेकिन दूसरों को ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता है। वो अपनी लाइफ में अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप दूसरे लोगों में टांग अड़ाते हो, बीच में पड़ते हो, वो उनको पसंद नहीं आता है। तो यही है कि क्या आपके खिलाफ़ कोई जहर उगल रहा है? बहुत सारे लोग जहर उगल रहे, आपके तो अपने लोग ही जहर उगल रहे हैं आपको लेकर, कि ये जब देखो तब बीच में पढ़कर हमें रोक लेता है या कुछ ना कुछ सुना देता है या किसी तरह की एडवाइस देता है, ये मत करो, वो मत करो, इस तरह से मत करो, वहाँ मत जाओ, मतलब सब कुछ बीच में आना ही है। तो आपके नज़दीकी लोग भी परेशान हैं आपसे और वो भी आपके खिलाफ़ दूसरों को बता रहे हैं कि इस तरह से वो हमारे साथ बिहेव करता है। और आपके आसपास के वर्क प्लेस के लोग हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके फ्रेंड्स हो, उनको भी आपका ये नेचर पसंद नहीं है, तो आपके बारे में भी वो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और यही है गाइस आपके लिए कि आपको ही खुद से ही थोड़ा फ्लेक्सिबल बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दूसरों को समझा नहीं सकते हो, दूसरों के नेचर को बदल नहीं सकते हो, तो बीच में मत आइए। यही आपके लिए एडवाइस है कि आप अपने तरीके से सही रहना है रहो, लेकिन दूसरों को मत समझाओ कि आप ऐसा करो वैसा करो, इस तरह से आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को संभालना जानते हैं। लोग आपको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि वो अपने आप को संभाल सकते हैं, आपकी राय की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये जो हैप्पी हैप्पी का कार्ड है वो यही दिखाता है कि आप अपने साथ तो खुश हो, दूसरों को भी खुश करना जानते हो, और खुश करने के लिए ही आप बीच में पड़ते हो, लेकिन वही उनको पसंद नहीं आता है। आप अपने साथ राइट हो, लोगों के साथ भी राइट करना चाहते हो, लेकिन जो लोग उनके खिलाफ है उनको वो पसंद नहीं आता है कि क्यों आप राइट कर रहे हो। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस है कि आपको रियली में लोगों को जानने की ज़रूरत है, उनके स्वभाव को जानने की ज़रूरत है, और रियली में आपको दुनिया को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, लोगों को या दुनिया को देखने की पूरी तरीके से ज़रूरत है कि दुनिया कैसी है, दुनिया में लोग कैसे हैं, और आपको पूरी तरीके से अपने आप को ही बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपना नेचर बदलने की ज़रूरत है। नेचर आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हो, तो इम्प्रूवमेंट डालने की ज़रूरत है आपको, करने की कोशिश कीजिए, यही कहूँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी यही दिखाती है कि कभी कभी आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाते हो और बहुत कुछ सुना देते हो, और कभी कभी आप एक इमोशनल इंसान हो जाते हो और बहुत कुछ ताने भी देते हो, कुछ ना कुछ
मुंह पर सुना देते हो, क्लियर कट से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ओपनली बता देते हो, लेकिन वो लोगों को दिल तक चुभता है। मैंने आगे ही कहा है कि शब्दों के वार बहुत ज़्यादा तेज़ तरार होते हैं, तो उसका संभाल कर इस्तेमाल कीजिए। आप अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो आप एक नॉर्मल तरीके से भी लोगों को समझा रहे हो वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। ओके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइस है कि आपको अपने नेचर को पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है और दुनियादारी को ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग कैसे होते हैं, उनकी जीवन कैसा होता है, उनके मायने कैसे होते हैं, ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत है। तो आपको बीच में नहीं पड़ना है किसी के, अपनी लाइफ को संभालिए, अपने आप को संभालिए और अपनी फैमिली को थोड़ी राय देना चाहते हो तो दीजिए, वरना उनको भी पसंद ना हो तो उनको भी मत दीजिए। जस्टिस का कार्ड भी यही कहता है कि आपके खिलाफ़ बहुत ज़्यादा लोग जहर उगलते हैं, क्योंकि आप हर बार जस्टिस करने जाते हो तो लोगों को जस्टिस पसंद नहीं आता है, ये बात समझिए। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।